एवरी एवरीवन दिस इज विका और आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री ने लॉन्च की है 5G सर्विसेज भारत में इसकी क्या डिटेल्स हैं हम डिटेल में आज पढ़ेंगे उनको आप यहाँ पे मेरे बारे में जान सकते हैं दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर लेक्चर अपडेट्स एंड पी डी आज हर जगह प्रिंट मीडिया हर जगह आपको ये टॉपिक कवर होता हुआ नजर आ रहा होगा पी मोदी टू लॉन्च फाइव जी सर्विसेज और ये आप कुछ तस्वीरें इसकी देख सकते हैं अब देखिए है. इंडिया मोबाइल कांग्रेस ये आज शुरू हुआ है दिल्ली में और फोर्थ अक्टूबर तक ये चलेगा इस पूरे इवेंट का हाईलाइट यही है कि 5G सर्विसेज जो हैं इंडिया में फिफ्थ जनरेशन मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज वो लॉन्च होने जा रही हैं और प्रधानमंत्री उसको अनाउंस करेंगे लॉन्च करेंगे कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में ही इनिशियली ट्रायल्स जो होंगे ट्रायल्स नहीं बल्कि आप कह सकते फुल फ्लॉट ये जो है शुरू हो जाएंगी ये फिफ्थ फाइव जी सर्विसेज आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरू के तेरह शहर कौन से हैं जहाँ पे फाइव जी शुरू होगा दिल्ली लखनऊ कोलकाता हैदराबाद चंडीगढ़ गुरुग्राम देन गुजरात में ही अहमदाबाद जामनगर गांधीनगर देन ये मुंबई पुणे बेंगलुरु चेन्नई तो ये तेरह शहर हैं जहाँ पे ये सर्विसेज शुरू होंगी अब इंडिया की पूरी जर्नी फाइव जी की तरफ हम देखें तो कैसी रही तो 2017 में ही गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल फोरम जो है वो बनाई थी तो ऐसा नहीं है कि 2022 में सोचा और शुरू हो गई सो तो कुछ साल लगे हैं इसको यहाँ तक पहुँचाने में 2017 से अगर हम शुरू करें तो गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल फोरम जो है वो बनाई जिसमें अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स थे जैसे कुछ लोग इंडस्ट्री के अकादमिया के गवर्नमेंट के रेगुलेटर्स जो इवेलुएट करेंगे और इस तरीके से ये फोरम जो बनाई गई डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव की जो डिसाइड करेगी कि फाइव जी फाइव जी को किस तरीके से हमारे देश में भारत में रोल आउट किया जाए क्या प्राइजेस होंगे कैसे रोल आउट किया जाएगा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा हर चीज़ यहाँ पे डिसाइड ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इनको इस पर काम करना था मेन एजेंडा इस फोरम का यही था कि पूरा रोड मैप यानी क्योंकि अभी हम कोई चीज़ पे फैसला ले रहे हैं एकदम नहीं ले सकते पूरा प्रॉपर प्लानिंग से करना है तो मेन इस फोरम का काम यही था कि एजेंडा इनका यही था कि रोड मैप ये 5G के लिए बनाए और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करें ऐसा नहीं है कि हम कुछ 5G तो बोल रहे हैं बट 5G जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच नहीं कर पा रहे हो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को तो ये सब इनको देखना था कि फोर के बाद फाइव किस तरह से रोल आउट किया जाएगा अब ये जो फोरम इन्होंने बनाई इसका कौन था हेडेड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ए जी बॉलराज उन्होंने जो रिपोर्ट है वो 2018 में सबमिट की और सजेस्ट किया जहाँ पे भी जो एरियाज़ फोकस वाले थे जैसे कि स्पेक्ट्रम पॉलिसी कैसी होनी चाहिए रेगुलेटरी पॉलिसी एप्लीकेशन यूज केस लैब्स और जो लोकली टेलर्ड सोल्यूशन है, हैं काफ़ी चीज़ें जो उनको कमियाँ लगी उन्होंने सजेशन दिया फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी फाइव जी का जो है वो चल रहा है उसके बाद काफ़ी जोरों शोरों से शुरू हुआ जो आपके ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट किए गए टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा फिर 2019 पे हमने देखा कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है और जो सेक्टर रेगुलेटर ट्राए है वो उन्होंने जो स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग है उसको लेकर कंसिडरेशन शुरू कर दिए गए और इस साल अगस्त में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो ऑक्शन है 5G स्पेक्ट्रम का वो लाया और जिसमें फाइनल स्टेप्स बिकॉज ऑक्शन जब हम ऑक्शन पे पहुंच जाते हैं किसी चीज़ का ऑक्शन होने लगता है तो वो उसको लॉन्च करने का ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप होता है उसके बाद लॉन्चिंग ही होती है तो अभी आप देख सकते हैं सेवेंटीन 17 2020 में पीएम एम कंट्रीज फर्स्ट 5G टेस्ट बेड तो जो टेस्ट बेड थे वो अपने मई में टू थाउजेंड में ही लॉन्च कर दिए अब देखिए दुनिया का सफर इंटरनेट को लेकर कैसे रहा है तो ये दैनिक भास्कर से मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स शॉट लिया है इंटरेस्टिंग जैसे वन जी नाइनटीन सेवेंटी वन में एनालॉग टेली कंप्यूटर कम्युनिकेशन आया 2G 1991 नाइनटीन नाइन्टी मैसेजेस हमने जो भेजना शुरू किया 98 में 3G मोबाइल और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस आपके आ गए 4G 2008 एट so सो ये ग्लोबली हम बात कर रहे हैं क्लाउड आ गया आपका ब्रॉडबैंड आ गया एंड देन यू हैव 2019 में योर 5G सो हेयर वी स्टैंड टूडे नाइनटीन से ये प्रोसेस आपका शुरू हुआ और 4G और 5G में क्या अंतर है देखिए ओब्वियसली स्पीड का अंतर है लेटेंसी पीरियड कम है लेटेंसी पीरियड की आप एक सर्वर पे मैसेज भेज रहे हैं

फोर जी की टू हंड्रेड एम बी पी एस है इसकी वन जी बी पी एस है एवरेज स्पीड इसकी फोर जी की हम ट्वेंटी फाइव एम बी पी एस हमको मिलती है फाइव जी में यही स्पीड आपको टू हंड्रेड टू फोर हंड्रेड एम बी पी एस मिलेगी सो यू कैन सी इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फोर जी एंड फाइव जी तो इसको अगर और अच्छे से समझना समझ पाए तो जो चीज़ हम यूज़ करें डाउनलोड कितना तेज़ होगा जो चीज़ सपोज टू पॉइंट एट डेज़ में डाउनलोड हो रही है फोर जी में सॉरी टू जी में जिस चीज़ को टू पॉइंट एट डेज लग रहे हैं डाउनलोड होने में थ्री जी में उसको टू आवर्स लगते हैं फोर जी में वही चीज़ टू आवर्स से घट के फोर्टी मिनट्स में हो जाती है और फाइव जी में वही चीज़ थर्टी फाइव सेकेंड्स में आप डाउनलोड कर लेंगे सो यू कैन यहाँ पर डाउनलोड स्पीड आप समझ सकते हैं कि फाइव जी कितना फास्ट होने वाला है हमने टू जी से लेकर फाइव जी तक कंपेरिजन किया अब कौन कौन से ऑपरेटर्स जो है 5G लेके आएंगे 5G सर्विसेज और कहाँ लेके आएंगे रिलायंस जियो जो कि टॉप स्पेंडर रहा है इस साल का 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में इनका बिटिंग अमाउंट आप देख सकते हैं 88000 करोड़ से भी ज्यादा है अगस्त में इन्होंने कहा कि मोबाइल जो सर्विसेज में 5G नेटवर्क ले आएंगे दिवाली तक दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता में उसके बाद जियो के बाद यू हैव हाँ भारती एयरटेल है सेकेंड हाइस्ट स्पेंडर रहा है इसका ऑक्शन में फाइव जी में और इन्होंने कहा कि ये नेटवर्क डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के एंड तक लेके आएंगे सो दिस इज वॉट एयरटेल हैज सेट और ये <clears throat> द कंपनी सेट फाइव जी विल भी अवेलेबल इन टाउनस इन रूरल एरियाज़ में टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक ले आएंगे तो एयरटेल का टाइमलाइन अलग है जियो का टाइमलाइन अलग है अब बेनीफिट्स फाइव जी का क्या होने वाला है तो मैंने स्पीड तो आपको चेक करवा दी जो डिफरेंसेज हैं वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा डिफिनेट जो डिफरेंस है वो नज़र आ रहा होगा बेनीफिट नज़र आ रहा होगा तो इससे आपके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एज अ कंट्री एज अ सोसाइटी वो इंक्रीज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इम इकोनॉमिक इम्पैक्ट 5G का इंडिया पे हम मान के चल रहे हैं 450 बिलियन डॉलर्स 2035 तक हमको देखने को मिलेगा जो कंज्यूमर्स हैं उनको तो एक सुपीरियर इंटरनेट स्पीड मिलेगी और लो लेटेंसी फोर जी में आपका काफी डिले होता था या जितना भी डिले होता था फाइव जी में आपको वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा सो so, लेटेंसी आपको समझाने के लिए कि कोई रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं वो सर्वर तक जा रही है क्लाइंट तक जा रही है फिर सर्वर के पास जा रही है फिर से क्लाइंट के पास आ रही है तो उसमें जो टाइम लग रहा है यहाँ पे वो भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और आपको तो पता भी नहीं चलेगा इसके बाद एक और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है डिज़ास्टर अलर्ट टेक्नोलॉजी में जैसे हमारे वेदर अलर्ट्स होते हैं या एनिमल्स के केस में हम बहुत सारे अलर्ट्स देखते हैं कोस्टल रीजन्स पर अदरवाइज ऑल्सो तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको बहुत जल्दी मैसेज आ जाएगा अगर कुछ भी डिज़ास्टर कहीं पर हिटअप होगा किसी एरिया में सो फास्टर अलर्ट्स का मतलब है लोग अपने उनको ज़्यादा वक्त मिल जाएगा ख़ुद को सेव करने का और उसको हम एक बेनिफिट ही मान के चलें कि डिजास्टर मैनेजमेंट एग्रीकल्चर में अगर ज़्यादा जल्दी अलर्ट्स आने लग जाएंगे तो पीपल विल हैव ओवरऑल बेनिफिट 5G, जी ब्रॉडबैंड मीडिया एवरीवेयर स्मार्ट व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट में यूज़ होगा क्रिटिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन सेंसर नेटवर्क्स काफ़ी चीज़ें इससे कनेक्ट होंगी और जो ऑपरेटर्स इसको लॉन्च करें यहाँ पे ऑपरेटर्स की बात है जियो हो गया एयरटेल हो गया तो किस तरीके से इसको लॉन्च किया जा रहा है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जा रहा है तो देखिए फाइव जी नेटवर्कस को दो मोड्स हैं लॉन्च करने के एक है स्टैंड लोन और दूसरा है नॉन स्टैंड लोन दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं अब ऑपरेटर पर डिपेंड करता है वो कौन सा मोड चुनते हैं जैसे जियो वालों ने स्टैंड लोन मोड को चूज किया है और एयरटेल वालों ने नॉन स्टैंड लोन में अब स्टैंड लोन में क्या है कि जो आपकी 4G सर्विसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पैरल में हम 5G के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जीए वालों ने कहा कि हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे हम पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ नहीं करेंगे तो पैरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा किया जाएगा 5G के लिए तो डेफिनेटली आप पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगा ज़्यादा पैसे लगेंगे नई चीज़ फिर से पूरी पूरी खड़ी करनी है आपको सो दिस इज स्टैंड स्टैंडलोन नॉन स्टैंड लोन में क्या है कि यहां पे 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को ही अपग्रेड किया जाएगा उसी के थ्रू आप 5G सर्विसेज लोगों तक पहुंच पहुंच जाएंगे तो यहां पे आप पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपके जो कॉस्ट है या इन्वेस्टमेंट है वो कम लगेगी नॉन स्टैंड लोन में सो so, भारतीय एयरटेल ने नॉन स्टैंड लोन जो मेथड है इसको चूज किया है बट अल्टीमेटली स्लोली एंड स्लोली दे ऑल्सो हैव टू मूव टूवर्ड स्टैंडलोन उनको भी अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा बट इनिशियली जल्दी लॉन्च करने

और बिगेस्ट डिफरेंस इन द द टू आर्किटेक्चर इज दूटेक्टेबिलिटी विद एग्जिस्टिंग डिवाइस इको सिस्टम तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है कि जो हमारे पास ऑलरेडी फोन्स है स्मार्टफोन्स हैं क्या वो 5G यूज कर पाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हाँ जिनका 4G नेटवर्क ही यूज कर रहे हैं तो उनको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा कि वो अपने सिस्टम्स जो हैं उनको अपग्रेड कर लें सो दे बी एबल टू यूज फ़ाइव uh, जी तो मोस्टली लोगों के पास ऐसे फ़ोन हैं बट हो सकता है इन फ्यूचर हमको टोटली न्यू फोन्स चाहिए हो सो दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ नाउ लेट सी कि फाइव जी के आने के बाद हम किस तरह से इसका बेनिफिट ले सकते हैं बाकी आप अपना प्रिपरेशन हमारे साथ ईजी कर सकते हैं अन अकेडमी पे बहुत से टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं बैचेस में खुद को एनरोल कर सकते हैं बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं और आपके पास चांस है कि अगर आप सिर्फ नोट्स भी लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं टू पॉइंट ओ जो नोट्स हैं दे आर अवेलेबल इन ओनली इन इंग्लिश बैच लेटेस्ट हमारा ट्वेंटी नाइन्थ को शुरू हुआ है बाकी अगर आप ई एम आई के लिए ऑप्ट कर रहे हैं आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा आप मेन्स टेस्ट सीरीज के लिए भी खुद को सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लस अगर आप ऑप्शनल इनमें से एक कोई ऑप्शनल आपका है तो ये टेस्ट सीरीज के लिए भी यू कैन सब्सक्राइब बाकी संडे को इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें इसमें कुछ जो रैंक्स हैं वन टू फाइव हंड्रेड यू हैव डिफरेंट बेनिफिट स्कॉलरशिप्स तो आप वो बेनिफिट कोर्स लेने के लिए ले सकते हैं तो डू पार्टिसिपेट मॉक दीजिए आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कितना है यू कैन यूज माई कोड वीरो यू पी एस सी फॉर द सेम एंड एंड्रेस्ट इज वन मोर इंटरेस्टिंग फीचर वी हैव एडेड टू आर अन अकेडमी एप इन वेबसाइट दैट इज डाउट ब्राउज तो डाउट्स को आप ब्राउज यहां पे कर सकते हैं सो दिस इज माई टेलीग्राम रॉनिकांडस्कोर यूपीएससी यहां पे कनेक्ट कीजिए फॉर मोर क्वेरीज ऑन पीडीएफ थैंक यू